गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड इट्स प्रिपरेशंस एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एल्कोहल्स. द ऑक्सीजन ऑफ द OH इज अटैच्ड टू द कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड फॉर्मड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. सो ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है ये क्या कर रहा है बेटा, इट इज़ सेइंग कि दोनों ही सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है. अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, जब कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, यानी कि कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन. फाइन, सो लाइक दिस इज ऑक्सीजन एंड बॉन्ड इज फॉर्मिंग. Now, in figure 11.1 depict structural aspect of methanol, phenol and the methoxy methane. तो अब ज़रा methanol को देखें. तो methanol के अंदर oxygen, hydrogen, oxygen, carbon के बीच में जो bond angle है that is 108.9 and the bond length it is 96 picometer and it is 142 picometer. In case of phenol you can see the angle between OH is 109 degree, 108 से थोड़ा सा एक degree increase कर गया and bond length here is the 136 picometer. Carbon oxygen bond length या 142 है या 136 हो गई, तो decrease कर गई. Although ये pure double bond की नहीं है but still ये single से तो less है, तो it means there is a partial double bond character. And you can see in the case of ether, the bond angle between them is very large but is 117.7 degree. फाइन, अकॉर्डिंग कंपेरिजन करें अगर हम फिनोल और मिथोल से, तो उसकी कंपेरिजन में ये बॉन्ड एंगल उनसे बड़ा है एंड बॉन्ड लेंथ हियर इज 141 पीकोमीटर. द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल. फाइन, इट इज़ ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन्स एंड बिकॉज यहाँ लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शंस हैं, इस वजह से एंगल थोड़ा सा 109 से कम हो जाता है. इन फिनोल्स OH ग्रुप इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग. The carbon oxygen bond length in phenol is slightly less than that in the methanol. अब इट इज सिंह फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी कम है. वो ऐसा इसलिए बिकॉज उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस. सो दिस इज ड्यू टू वॉट, दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग एंड sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड. सो देर आर टू रीजन्स फॉर देयर शॉर्टनेस ऑफ द बॉन्ड लेंथ. First is the presence of partial double bond character due to the resonance and second this carbon is the sp2 hybridized. So both of the reasons are responsible for the shortening of bond length. Now in ethers, the four electron pairs, that is the two bond pair and the two lone pairs of electrons on oxygen, are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. ठीक है ना, चार इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहा है ethers में, दो bond pair हैं और दो lone pair हैं, दोनों ही tetrahedrically arranged हैं. Approximately, and the bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between two bulky R groups. अब यहाँ पे bond angle इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि oxygen जो है दो bulkier group से attached है और उन bulkier group के electron clouds में भी repulsions रहेंगी. So to overcome these repulsions, it has increased its bond angle slightly. So CO bond length 141 is almost same as in the alcohol. और CO की bond length almost same है जितनी alcohols में है. Now next is the preparation of alcohol, very important, from alkenes. Fine, तो from alkenes अगर हम देखें by acid catalyzed hydration, आप water डालेंगे in the presence of acid. So this is known as the acid catalyzed hydration. Means acid is using as a catalyst here, जो reaction में utilize होने के बाद end में as it is बाहर आ जाएगा. Alkenes react with water in the presence of acid as catalyst to form alcohols. In case of unsymmetrical alkenes, the addition reaction takes place in according to the Markovnikov's rule. If alkene is symmetrical, then no doubt you can attach H or OH in any of the carbon. But if it is unsymmetrical, you have to follow the Markovnikov rule. So you can see here is H and here is OH. And if this is the condition, then here will be the OH and here will be the H. According to the Markovnikov rule. Very easy method. Now the mechanism is here, which is written. Now three steps are there in this mechanism. The first step is the protonation of alkene. Protonation of alkene करानी बहुत ज़रूरी है so that आपका जो carbocation बन जाए, ठीक है ना. Protonation of alkene to form carbocation by electrophilic attack of hydronium ion. So first mechanism का first step देखें ज़रा हम.
सॉरी मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप देखें तो पहले वाटर, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड है, वाटर ने एच पॉजिटिव से रिएक्शन की और एच थ्री ओ पॉजिटिव दे दिया. नाउ दिस डबल बॉन्ड कार्बन इज रिएक्टिंग विद द एच थ्री ओ पॉजिटिव. सो डबल बॉन्ड व्हाट विल डू, क्योंकि डबल बॉन्ड के पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो शोज द न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर. सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन होगा उस पर अटैक करेगा. तो जैसे ही डबल बॉन्ड ने इस एच पे अटैक किया, यू कैन सी दिस, व्हेन डबल बॉन्ड इज अटैकिंग एट दिस एच, द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू द ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग द वाटर मॉलिक्यूल. नाउ दिस एच पॉजिटिव हैज बीन अटैच टू द एल्कीन फॉर्मिंग द कार्बोकटायन. सो बिकॉज वंस द कार्बोकटायन इज फॉर्म, नाउ देर विल बी द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल बन, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अब जो वाटर आपने लिया है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इसके पॉजिटिव सेंटर पर अटैक कर देगा. तो आप देख सकते हैं वाटर के लोन पेयर्स जो हैं कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर रहे हैं. देखो वाटर के लोन पेयर्स सबसे पहले एच पॉजिटिव से अटैक करेंगे, उसके बाद जब एल्कीन का कार्बोकटायन बन जाएगा तब वो कार्बन पॉजिटिव से अटैक करेंगे. फाइन, तो यू कैन सी नाउ दिस लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन अटैकिंग ऑन द कार्बन. सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल फॉर्म. नाउ ऑक्सीजन हैज़ टू हाइड्रोजन, सॉरी इट इज़ फॉर्मिंग थ्री बॉन्ड्स, सो अक्वायरिंग द पॉजिटिव चार्ज. सो टू रिमूव दिस पॉजिटिव चार्ज व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल remove the electrons or this bond will donate the electrons over the oxygen and H positive will leave. So you can see in this step, this is the deprotonation of basically that deprotonation to form an alcohol. Now you can see what will happen. Again the water, the lone pairs of oxygen is taking up this proton and the electrons of this bond shifting to the oxygen atom. So here is the formation of alcohol and the hydronium ion. Now next is hydroboration oxidation. Fine, by hydroboration oxidation is another method by which you can prepare alcohols, and by this method you will get the primary alcohol. अगर आप normal acid catalyzed hydration कर रहे हैं तो उस केस में आपने देखा कि आपको मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिलेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. बट इन दिस केस बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, यू विल गेट द प्रोडक्ट विच इज़ अल्कोहल बट दैट इज प्राइमरी. फाइन, नाउ डाइबोरेन इज बी एच थ्री बी टू लिखा है तो यू कैन राइट इट इज़ लाइक बी एच थ्री होल टू विच इज़ बी टू एच सिक्स. The diborane reacts with alkene to give trialkyl borane as addition product, and this is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. And it was first reported by H.C. Brown. And for his studies on boron-containing organic compounds, Brown shared the Nobel Prize in Chemistry with G. Wittig. Now you can see here, this is the propene and this is diborane. So I have diborane ko BH3 bracket twice likh diya. So what will happen now? This one hydrogen of this borane will replace with this alkene. ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये जो बॉन्ड है बोरोन का, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दिस हाइड्रोजन विल गेट अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल गेट बॉन्ड विद दिस बोरोन. नाउ यू कैन सी हियर, जो बोरोन का ये हाइड्रोजन जो आपको बाहर दिख रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन विल फॉर्म बॉन्ड विद द बी एच टू. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन सेम यू आर गिविंग द एल्कीन, सो व्हाट विल हैपन नाउ, अनदर हाइड्रोजन ऑफ दिस बोरेन, बिकॉज इट इज़ हैविंग टू हाइड्रोजन, this hydrogen will get replaced by this alkene and boron will form bond with the carbon like this. Fine, in the third step again you have given the alkene, so again kya hoga, again aapke is carbon se boron bond banayega aur yahan pe dusra H lag jayega, to yahan pe condition is tarike ki aa jayegi B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 and CH2 CH2 CH3. सो तीनों हाइड्रोजन बोरोन के एल्कीन एल्केन चेन से रिप्लेस हो जाएंगे. सो जैसे ही अब आप इसमें हाइड्रोजन परोक्साइड डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो व्हाट विल हैपन, ये जो बोरोन है ये ओएच थ्राइज बोरोन हाइड्रोबोरिक एसिड बना देगा एंड जो आपके एल्केन चेन थे यहाँ पे सीधा ओएच ग्रुप आके लग जाएगा एंड इट विल गिव द थ्री मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल. सो वहाँ पे एक एल्कीन अगर आप देखें तो आप इकट्ठा एक ही मोल बोरोन डाइबोरेन से, एक मोल डाइबोरेन से यू कैन फॉर्म थ्री मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल. फाइन, सो द एडिशन ऑफ बोरोन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन
carrying greater number of hydrogen atoms, and the alcohol so formed look as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Markovnikov's rule. In this reaction, alcohol is obtained in an excellent yield. Now next is from carbonyl compounds. So in this video, carbonyl compounds mein hum do hi padhenge preparation. In the next video, I will discuss more steps regarding the carbonyl compounds. हम कार्बोनिल कंपाउंड से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं, जैसे कि आपका एसिड हो गया, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड हो गया, कीचोन हो गया, ये सारे आपके क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं. सो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. यू कैन यूज़ कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑल्सो. अगर आप कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन यूज़ करते हैं, लाइक इन द केस ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोन, इफ़ यू आर यूजिंग H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD और यू आर यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, व्हाट विल हैपन, जो आपका CHO ग्रुप है ये सीधा CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल गेट द हाइड्रोजन, अगेन द CO विल गेट द हाइड्रोजन एंड द OH पार्ट. फाइन, सो दिस इज लाइक दिस आर COH. इफ वन हाइड्रोजन इज कमिंग हेयर H2 प्लैटिनियम से, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ आ रहा है तो बॉन्ड डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी, नेगेटिव चार्ज, एंड अगेन दिस नेगेटिव चार्ज इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. फाइन, एंड व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, आर सी ओ एच, एच एंड द एच, इट विल बी आर सी एच टू ओ एच. सो द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली divided metals such as platinum, palladium or the nickel. It is also prepared by treating aldehydes and ketones with sodium borohydride. You can also use sodium borohydride here for the formation of alcohols or the lithium aluminium hydride. Aldehydes yield primary alcohol, whereas ketone yields gives secondary alcohols. Now you can see this is the aldehyde. Your aldehyde is giving primary alcohol and this is the ketone which is giving the secondary alcohols. The number in front of the reagents along with the arrow indicates that second reagent is added only when the reaction first is complete. Okay, it is saying now the numbers in the front of reagent. Dekho, sometimes kya hota hai ki is tarike se number likhe hote hain, first, second and two different reagents are there. तो फर्स्ट का मतलब है कि पहले फर्स्ट रिएजेंट डाला, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी फिर सेकंड रिएजेंट डाला. सो ये इस बॉक्स में इसका मतलब यही है. सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस मोर प्रिपरेशंस रिगार्डिंग द एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड द ईथर्स एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो.